हाय, क्या आपने इस डिवाइस को पहले देखा है? हाँ, थर्मामीटर। जब आपको फीवर होता है, आप इससे बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं। तो थर्मामीटर कैसे काम करता है? हम इस सेशन में इसी के बारे में सीखेंगे। थर्मामीटर के एंड पर एक कैप जैसा ऑब्जेक्ट होता है, जिसे बल्ब कहते हैं। बल्ब के अंदर कुछ होता है। क्या आपको पता है वो क्या है? ये M से शुरू होता है। Yes, mercury। थर्मामीटर के अंदर एक बहुत नैरो ट्यूब होती है, उसे कैपिलरी कहते हैं। ये एक थ्रेड की तरह लगता है, जो बल्ब से शुरू होता है और थर्मामीटर के दूसरे एंड तक एक्सटेंड होता है। कैपिलरी ट्यूब के दोनों साइड्स में मार्किंग्स इंस्क्राइब्ड होते हैं। ये मार्किंग्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं। इस साइड में मार्किंग्स 35 से शुरू होके 42 तक जाते हैं, जो टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में दिखाता है। और दूसरे साइड में मार्किंग्स 94 से शुरू होकर 108 तक जाते हैं, और ये टेम्परेचर को फारेनहाइट स्केल में दिखाता है। अब जबकि हमें पता है थर्मामीटर कैसे बना होता है, हम उसके फंक्शंस जानते हैं। बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए बल्ब को बॉडी से कॉन्टैक्ट करके रखें। हम ऐसा कर सकते हैं थर्मामीटर को माउथ में या टंग के नीचे या आर्मपिट के नीचे रखकर। जैसे ही बल्ब बॉडी को टच करता है, बॉडी से हीट थर्मामीटर में फ्लो करेगा। आई होप आपको याद है हीट एग्जैक्टली कब फ्लो करता है। यस, हीट तब ही फ्लो करता है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अगर टेम्परेचर में कोई डिफरेंस ना हो तो हीट फ्लो स्टॉप हो जाएगा। अब वापस आते हैं थर्मामीटर पर। हीट थर्मामीटर में तब तक फ्लो करता रहता है जब तक बॉडी और थर्मामीटर सेम टेम्परेचर पर नहीं आते हैं। बॉडी के हीट से थर्मामीटर में मर्क्यूरी हीट अप होता है। मर्क्यूरी की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, हीट उसे एक्सपैंड करती है। जैसे थर्मामीटर बॉडी से हीट गेन करती है, मर्क्यूरी का लेवल राइज करता है। मानिए कि मर्क्यूरी इस लाइन तक एक्सपैंड करता है, फिर हम बॉडी का टेम्परेचर कैसे रीड करेंगे? हमें इस मार्किंग की वैल्यू ढूंढनी होगी। टू होल नंबर्स के बीच में 10 मार्किंग्स है, तो हम कह सकते हैं 10 लाइंस एक साथ 1 डिग्री बनाते हैं। फिर लेट्स से 1 लाइन x है। सॉल्विंग फॉर x वी गेट x इक्वल टू 1/10 डिग्री सेल्सियस या x इक्वल टू 0.1 डिग्री सेल्सियस मिलता है। अब बताएं आप इसे कैसे पढ़ेंगे? 37 प्लस 3 स्मॉल मार्किंग्स यानी 0.3 हमें 37.3 डिग्री सेल्सियस देता है। व्हाट अबाउट दिस वन? 35 प्लस 0.1 यानी 35.1 डिग्री सेल्सियस। इजी, राइट? हमें ऐसे थर्मामीटर्स भी मिलेंगे जिन पर अलग अलग मार्किंग्स होते हैं, जैसे 5 या इवन 20। हाउएवर, अगर हम सेम प्रोसीजर फॉलो करें तो हमें हमेशा राइट टेम्परेचर मिलेगा। ओके, आई होप अब आप मर्क्यूरी थर्मामीटर से टेम्परेचर रीड करने में कंफर्टेबल है। अब हमें बस एक और चीज जानना जरूरी है। हम थर्मामीटर्स में सिर्फ मर्क्यूरी क्यों यूज करते हैं? मर्क्यूरी ही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है। बेसिकली हम इसे लिक्विड मेटल कहते हैं। ये -39 डिग्री सेल्सियस से 351 डिग्री सेल्सियस में भी लिक्विफाइड रहता है, और ये ग्लास से चिपकता नहीं है। लेकिन मर्क्यूरी का एक मैसिव इश्यू है, ये पॉइजनस है। इस कारण से हमें कभी मर्क्यूरी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। जब हम मर्क्यूरी थर्मामीटर यूज करते हैं, तब हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमें थर्मामीटर को बल्ब से पकड़ना नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप बल्ब को पकड़ते हैं, तब मर्क्यूरी का टेम्परेचर आपके फिंगर्स के टेम्परेचर की वजह से चेंज हो सकता है, और ये रिक्वायरमेंट से ज्यादा एक्सपैंड कर सकता है। और जब भी आप थर्मामीटर यूज करते हैं, मेक श्योर आप उसे यूज करने से पहले वॉश कर ले। अदरवाइज जो दूसरा पर्सन थर्मामीटर यूज करेगा, उसे पिछले पर्सन के यूज किए हुए थर्मामीटर से इन्फेक्शन हो सकती है। यूज करने से पहले ये इंश्योर करे कि मर्क्यूरी का लेवल 35 डिग्री सेल्सियस के बिलो हो। और हाँ, क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज किसी और चीज के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज ना करे, जैसे बॉइलिंग वाटर या हॉट मिल्क। वाई? क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर का वर्किंग रेंज स्मॉल है। इस रेंज से कुछ भी ज्यादा इस थर्मामीटर को डैमेज कर देगा। हाई टेम्परेचर्स मेजर करने के लिए स्पेशल थर्मामीटर्स होते हैं,
जिन्हें लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स कहते हैं। ये थर्मोमीटर्स पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था, अब सब जल्दी से रिकॉल करते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। हमने थर्मोमीटर का स्ट्रक्चर देखा। इसमें एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है। इसके एंड पर एक कैप जैसा ऑब्जेक्ट होता है जिसे बल्ब कहते हैं। उसमें मर्क्यूरी होता है। थर्मोमीटर में दो डिफरेंट स्केल्स होते हैं, फारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल। हमने टेम्परेचर रीड करना सीखा। मर्क्यूरी ही एक लिक्विड मेटल है और जब ये हीट होता है ये एक्सपैंड होकर रीडिंग दिखाता है। हमने थर्मोमीटर यूज करने के प्रिकॉशंस भी जाने। अमेजिंग। अगली बार जब आप बॉडी टेम्परेचर चेक करें, इन सारी चीजों का ध्यान रखें। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू सून।